सलमान खान की हीरोइन के साथ बदतमीजी हुई। ये बदतमीजी तब हुई जब ये हीरोइन एक फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी। एक्ट्रेस ने अपने साथ हुई बदतमीजी का खुलासा सोशल मीडिया पर किया है। ये एक्ट्रेस आने वाले समय में कभी ईद कभी दिवाली नाम की फिल्म में सलमान खान की हीरोइन के रूप में नजर आएंगी। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की। पूजा हेगड़े ने आज ट्विटर पर एक खुलासा करते हुए बताया कि वो इंडिगो फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी। इस दौरान फ्लाइट का क्रू मेंबर विपुल नकाशे पैसेंजर्स को अटेंड कर रहा था, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत रूड था। उसके बात करने का लहजा सही नहीं था और वो लोगों पर चिल्ला रहा था, बदतमीजी कर रहा था और धमकी देने के तरीके से बात कर रहा था। पूजा हेगड़े ने आगे कहा कि मैं इस तरह के इश्यूज के बारे में सोशल मीडिया पर बात नहीं करती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। पूजा हेगड़े की इस शिकायत के बाद ये ट्वीट तुरंत वायरल हुआ और इंडिगो को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ, जिसके बाद इंडिगो ने तुरंत रूप से पूजा हेगड़े से ट्विटर पर ही माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। अब हम आपसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि जान पाए कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ, इसीलिए आपका टिकट नंबर, PNR नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर हमें तुरंत DM करें। इस तरीके से फाइनली इंडिगो वालों ने पूजा हेगड़े की शिकायत सुनी। ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी के साथ फ्लाइट पर बदतमीजी हुई हो। इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज़ ऐसी शिकायतें कर चुके हैं फ्लाइट के दौरान उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ।